हेलो प्रवास धारणास्तना चालू ठेवतो मोख असा 2024 मेरीज विक
विकास आणि समृद्ध भारताच्या सपनात खरे करून दौडपाची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाना गरिबाच्या हाता भायर आशिल्ले संकल्प आशिल्लो गोंयातल्या वंचित वर्गाक अनाशिरो दिवपाचो. आज प्रधानमंत्री आवास योजना कुटुंबांक आपल्या गरिबांक मेळून दिला आशिल्लो. गरिबांक फुकट उपचार मेळचो रातूय बायलो अर्थीक रुपान दुसऱ्याचे निपत आशिल्ल्यो संकल्प आशिल्लो. आयच्यान कांय दसका पयली गोंयांत जायत्या गांवकारांचो जमनीचो कसलोच रिकॉर्ड नाशिल्लो. संकल्प आशिल्लो संपत्ती धारकांक तांचो अधिको रिकॉर्ड उपलब्ध करून दीत आसा. पयली तिप्प उदक मेळोवपा खातीर मैलान मैल चलत वचचें पडा. संकल्प आशिल्लो कोणच्या गरबापी आत्मसन्मानान शेती करीत आसात अशा आधुनीक समयांत लेगीत गोंयांत बँकींग सोय पावोवच्या परस अधिक जनधन खातीं आशिल्ले लोक आसात. 2,89,000 परस अधिक आज तालिगाव पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है, कैसा रिस्पॉन्स रहा और क्या रहेगा आपका? सो आई थिंक योर रिस्पॉन्स हैज बीन गुड. वी हैड द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट टू दैट नाउ वी आर हैविंग द विकसित भारत प्रोग्राम. सो आई थिंक इट्स द विजन एंड द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन एंड मे बी competing with one of the strongest nations also. So by 2047 his wish was to make is to make India a developed country, and I think we all have to work towards making his vision and his dream come true. So another thing you have to see is the confidence of the honorable prime minister to say that, which means he knows for sure that he is going to be there and BJP is going to be in power. So we're taking the development right from now and moving it up to 2047 for when India will be a developed country. मॅडम, संकल्प यात्रा जी आसा ती वुमन एम्पावरमेंटाचेर चड भर दिसता, लायक ड्रोन ट्रेनिंग तांकां आनी वेगवेगळे स्किम्स आसा, सो ओवरऑल कशें पळयता तुमी? आकर होम विजिट किए और मुझे सारे स्कीम्स के बारे में बताए.
उस सीट के थ्रू मुझे प्रधानमंत्री मातृत्व वृंदा योजना का लाभ मिला और इन लोगों के और भी बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं जो हम लोग को टाइम से बताए जाते हैं, जैसे कि ममता स्कीम, टेक होम राशन बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें हम लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती है जो बच्चों के लिए उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं। और महीने में दो बार की हर बार आंगनबाड़ी वाले प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें ये हेल्थ, पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं हम लोगों को, ताकि कैसे बच्चे का हेल्थ और हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हम लोग क्या खाना चाहिए, क्या हम लोग को अच्छे से हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चा भी शारीरिक अच्छा रहे और हम लोग भी तंदुरुस्त रहें। और इन लोगों का महीने में हर साल सेप्टेम्बर में एक पोषण माह करके भी मनाया जाता है जिसमें ये सारे पोषक तत्व यानी कि हम लोग के न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी है जो हम लोग को खानी चाहिए जिससे जब भी हम प्रेग्नेंट हों या आफ्टर डिलीवरी बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहे, हम लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहे। और अभी अभी गवर्नमेंट ने एक चीज़ और स्टार्ट की है जिसमें ये लोग हम लोग को सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस पैड्स आर वेरी गुड एंड एवरीबडी इज़ यूजिंग इट आई नो एंड इट इज़ वेरी गुड। सो आई वॉन्ट टू थैंक टू गोवा गवर्नमेंट एंड मोदी सरकार एंड स्पेशल थैंक्स टू सुपरवाइजर who used to come to us and time to time we guide करती हैं and thanks to all the teachers of Anganwadi of Taligaon that supporting us very 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 much. Thank you. मैं प्रज्वला श्रीवास्तव आई वडले पर तालिगाव रहता जेना प्रेग्नेंट असले तेना आई वॉज हंगसर नसलेले सो जेना हाउस विजिटा केली तेना आमची बालवाडी मॅम जी हंगसर सध्या असा तांच्यानी माझे नाव रजिस्टर केले आणि मला सांगले की हेल्थान वचून नाव रजिस्टर कर ताजे उपरांत आमकां किती किती बेनिफिट्स येतात ते सगळे आमकां माहिती दिता। दर महिन्यान महिन्यान दोन मिटींग असतात सो ती आम्ही अटेंड करता ते आमकां आणि आमच्या भुरग्यांक किती महत्व असतं ताजे बद्दल आमकां माहिती दिता। सप्टेंबरान लास्ट पोस्ट महान असले ताजे आमकां ताजे भुरग्याचे पोषण ताजे आहात ताजे नॉट ओन्ली हे बट ताजे आमकां कसले विकास कसे प्रयोग जातात ते आमकां आणि प्लस ताजे हेल्थ चेकअपूय आशिल्ले सो एवरी टायम जेव्हा आमकां मिटींग असता ते इन्फॉर्म करता। आणि थँक्यू आमच्या बालवाट टिचरीक जे म्हाका मौका दिले हांगा सगळे मिनटां उलोवपाचे। थँक्यू। Thank you.
कोशिश कर रहा हूँ।